बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन और अपडेट, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रेटजी। शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, स्वागत करते हैं सर आपका। साथ ही आज है हमारे साथ खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी आपका भी बहुत स्वागत है। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ तैयार। कुशल से जानेंगे बाजार का हाल और क्यों ऑटो कंपनियों की रफ्तार बढ़ रही है। देवांशी से लोन मॉरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सर समझेंगे। वरुण हमें बताएंगे क्यों पेपर कंपनियों में तेजी आई। स्वाति खंडेलवाल एमएसडीसी की एक्सक्लूसिव खबर हमें देंगी। साथ ही सृष्टि बताएंगे क्यों जुबिलेंट एग्रीविया में लगातार तेजी दिख रही है। बातचीत करेंगे अपने तमाम सहयोगियों से, लेकिन बाजार के आज के कारोबार पर सबसे पहले करते हैं फोकस। फिर से एक बार देखा हमने बाजार में उतार चढ़ाव के बाद दिखी अच्छी रिकवरी। आज कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, मगर पहले घंटे में ही उसके बाद दिन में एक वक्त बाजार लाल निशान के नीचे भी आ गया था रिकवरी के बाद। मगर दोपहर में लोन मॉरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंक शेयरों में तेजी शुरू हुई, जो कि फिर रुकी नहीं। बैंक शेयरों ने दूसरे सेक्टर्स में भी मोमेंटम पैदा किया और आखिर में सेंसेक्स 280 अंक तो निफ्टी 78 अंक चढ़कर बंद हुए। एफआईआई जीआईएस की तरफ से क्या आज संकेत मिले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 108 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 529 करोड़ रुपए निकाले हैं। और एडिटर्स टेक में अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में जो ये रिकवरी दिखी है वो आखिर टिकाऊ कितनी है। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन फिर से एक बड़े एक्शन का दिन रहा। दुनिया भर के बाजारों में सुस्ती के बावजूद भारतीय बाजारों में मजबूत शुरुआत होती दिखी और दिन भर उतार चढ़ाव के बीच मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। सुप्रीम कोर्ट में काम मॉरेटोरियम पर फैसला आने के बाद बाजार एकदम तेजी से भागे, स्पेशली बैंकिंग शेयर और बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेज मुनाफा वसूली भी आती दिखी। लेकिन आखिरी एक डेढ़ घंटे में बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी और बाजार फिर से दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे और आखिरी आधे पौन घंटे पर वहां से मुनाफा वसूली, यानी कि ट्रेंड ऊपर की तरफ, लेकिन दोनों तरफ के ट्रेड मजबूती से होते दिखे। तेज उछाल के बाद मुनाफा वसूली और उसके बाद करेक्शन के बाद फिर से रिकवरी। फाइनली जो क्लोजिंग मिली वो बहुत ही बेहतरीन, 14,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 34,000 के ऊपर निकलकर बंद होने में कामयाब रहा। और ये बेहतरीन क्लोजिंग इसलिए है, भले हम दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद ना हुए हों, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। और बड़े दिनों बाद पहली बार ये नजर आया कि डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार आखिरी एक डेढ़ घंटे में अपनी मजबूती को बरकरार रखने में, अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब रहे, ये ताकत दिखाता है। कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज मजबूती की तरफ बढ़ते हुए नजर आए और जहां से निफ्टी को और बाकी शेयरों को सहारा मिला। ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी का अच्छा मूड माहौल बनता हुआ नजर आया, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं एक अच्छी तेजी का सेशन आज देखने को मिला। सहारा मिला सुप्रीम कोर्ट के मॉरेटोरियम फैसले के बाद बैंकिंग शेयरों को, जहां से लीडरशिप आती हुई दिखी, और ओवरऑल इसके अलावा एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन। एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और शुक्रवार से जो एक्शन शुरू हुआ है वो इस साफ इशारा कर रहा है कि बाजार अब बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन चुका है और धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ने को और तैयार होता दिख रहा है। चलिए अब ये तो हमने समझ लिया कि बाजार में आज रिकवरी कैसे आई और क्यों आई, लेकिन कल के लिए स्ट्रेटजी भी जानेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक पूरी जानकारी लेते हैं अच्छे से। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल हैं। कुशल जरा बताएं आज बाजार में जो ये कारोबार हुआ है कौन से सेक्टर थे जहां पर अच्छी खासी तेजी देखी गई और कहां पर थी नरमी? तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजारों में आज अच्छी तेजी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अगर आप देखें तो दोनों ही इंडिसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़िया उछाल जो है हमें आखिरी डेढ़ दो घंटे में आता हुआ नजर आया। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में प्राइमरली सीमेंट स्टॉक्स थे, जिसमें श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स शामिल थे, और बैंक्स में भी काफी अच्छा रुझान बनता हुआ नजर आया। पर गिरने वाले शेयरों में हिंडालको और साथ ही जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिसमें ओएनजीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स शामिल थे, तो वहां पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये दोनों स्पेसेस में काफी बेहतरीन तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखी। खासकर पीएसयू बैंक्स में तो ऑलमोस्ट 10% की तेजी जो है आपको कुछ एक बैंकों में देखने को मिली, और प्राइवेट स्पेस में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसको लीड करता हुआ नजर आया, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक। रियल्टी स्पेस है, यहां पर भी अच्छी तेजी बनी आज के सत्र में। कल के परसों की जो जिस तरह की गिरावट हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा था
काफी अच्छा रिवर्सल्स यहाँ पर आता हुआ नजर आया, खासकर गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देखिए लगातार दूसरे दिन यहाँ पर बनती हुई नजर आई, करीब 8% की कल बनी थी, आज भी 1.5-2% का अच्छा उछाल आया। लिकर स्टॉक्स दिल्ली सरकार ने जिस तरह से जो परमिसेबल एज है उसको कम करते हुए दिखे, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इन स्टॉक्स पर आया और पेपर स्टॉक्स में भी बेहतरीन तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखी, जिसमें जेके पेपर जैसे स्टॉक्स करीब 5-6% जो है तक तेजी बनाते हुए नजर आए इंट्राडे में। साथ ही सीमेंट स्पेस यहां पर भी अच्छा रुझान था, तो दिग्गज तो भागे ही थे, साथ ही जो मिड कैप अगर आप कह सकते हैं स्टॉक्स थे सीमेंट स्पेस से, वहां पर भी बेहतरीन तेजी बनी है। मेटल स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। और अंत में जी के हेड कॉल्स की बात करें तो उसमें ईस्टर्न इंडस्ट्रीज जैन साहब के जेम्स में आपको रेकमेंड किया गया था, साथ ही बंधन बैंक और अंबुजा सीमेंट्स जो कि वागले जी की कॉल थी वहां पर भी बेहतरीन तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। चलिए कुशल से हमने समझा सेक्टर स्पेसिफिक पूरा मूवमेंट, आज के एक्सपर्ट विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, बाजार की रिकवरी फिलहाल क्या संकेत दे रही है, बाजार पर अभी क्या रुख रखना चाहिए, दूसरा कल के लिए इंट्राडे पिक कौन से आज आप देंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जाए? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में एक दमदार तेजी का सत्र था आज, लेड बाय पर्टिकुलरली सीमेंट, फार्मा और फिर बैंक्स में भी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद से हमने देखा बैंक्स में भी एक दमदार तेजी बनी, और जिस तरह की तेजी के साथ हम बंद हुए मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो कल के लिए भी बाजार पे मैं पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता है ये जो 1000 पॉइंट का हमने निफ्टी में करेक्शन देखा उसके बाद से ये जो रिकवरी शुरू हुई है ये मुझे लगता है थोड़ी और लेग्स है और ये बाजार अभी यहाँ से तेजी में ही रहना चाहिए। और बाकी कल के लिए जो मेरा इंट्राडे पिक है वो स्टॉक भी बैंकिंग स्पेस से ही है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे जो आज IDBI बैंक में खरीदारी करने की सलाह है, जो कि आज 39.50 रुपीज 39.50 रुपए के लेवल्स के आसपास बंद हुआ है। इस स्टॉक में कई ट्रिगर्स हैं, एक तो आज बाजार बंद होते होते खबरें आई कि 26 मार्च को इन्होंने एक मीटिंग रखी है अप्रूवल के लिए बॉन्ड्स के जरिए करीबन 8000 करोड़ रुपए जुटाने की, जो एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके अलावा हाल ही में हमने सुना RBI ने इस बैंक को PCA कैटेगरी से बाहर कर दिया है, तो वो भी एक पॉजिटिव था। फिर मैनेजमेंट ने आज चैनल पे आके बताया कि इंश्योरेंस जो बिजनेस है उसको अगर अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे तो वहाँ पे स्टेक सेल करके मोनेटाइज कर सकते हैं। और फिर मेरी नज़र में ये जो बैंक है ये सबसे प्राइम कैंडिडेट है जो सरकार का प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है उसका। इस बैंक में LIC और सरकार मिलकर हिस्सेदारी ओन करती है और LIC ने अपनी हिस्सेदारी 56 रुपए में खरीदी हुई है, तो मुझे लगता है उससे नीचे वह देंगे नहीं, तो उस लिहाज से भी स्टॉक पसंद आता है। तो कल के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है, टारगेट रहेगा 43 का, स्टॉप लॉस 38.50 रुपए का। और जहां तक पोजिशनल पिक का सवाल है स्वाति, मेरा पोजिशनल पिक है आज मेटल स्पेस से NMDC, एक जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, आयरन ओर की दिग्गज कंपनी है और हाल ही में इसने 8 रुपए का डिविडेंड दिया, एक्स डिविडेंड हो चुका है, तो डिविडेंड यील्ड करीबन 6.5% के करीब आती है। स्टॉक आज 132 के आसपास कुछ बंद हुआ है, मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। हाल ही में इनकी जो डोनीमलाई माइंस जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसको भी इनको अप्रूवल दे दिया है, वहां से भी प्रोडक्शन चालू हो गया है। फिर जिस तरह से आयरन ओर के प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार होंगे, तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। पोजिशनली 145 का टारगेट है और 126 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। तो कल के लिए खरीदारी इंट्राडे पिक IDBI में रखने की सलाह विकास जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू NMDC में रखने का सजेशन है विकास सेठी जी का, बातचीत जारी रहेगी उनसे। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी भी आपको दे दें, और उसमें सबसे ज्यादा जो हमने आज मूवमेंट देखी है पेपर शेयर काफी ज्यादा कड़क हुए हैं, 2 महीने में पेपर के दाम 60% तक उछले हैं और इंपोर्ट में कमी के चलते भी पेपर की उड़ान देखी जा सकती है। कुछ और डिटेल्स सर अच्छे से समझते हैं पेपर और पेपर से जुड़े प्रोडक्ट के दाम के बारे में, हमारे से होगी वरुण से। देखिए पिछले कुछ दिनों में पेपर और पेपर के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, और इसके 3 बड़े कारण है, एक कोविड, दूसरा कंटेनर और तीसरा चाइना। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए दरअसल भारत में जो पेपर बनता है या फिर कहीं भी जो पेपर बनता है वो वेस्ट पेपर और पेपर पल्प से बनता है, और भारत जो है जो वेस्ट पेपर है उसको करीब 70% जो है वो इम्पोर्ट करता है यूरोप और बाकी देशों से, और कोविड में आपने देखा था कि वैसे इम्पोर्ट्स कम थे, और इसके ऊपर जो कंटेनर की शॉर्टेज है उसके चलते इम्पोर्ट्स और कम हो गए, इसके लिए भारत में वेस्ट पेपर की किल्लतें बढ़ गई, इसके चलते वेस्ट पेपर के दाम जो है पिछले कुछ समय में दुगने हो चुके हैं। अब वेस्ट पेपर के दाम बढ़े तो जाहिर सी बात है कि पेपर के भी दाम बढ़ेंगे, और इसके लिए पिछले 2 महीनों में पेपर के दाम जो है उसमें करीब 60% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। अब इसमें चाइना का एंगल क्या है, देखिए
1 जनवरी से चाइना ने बेसिकली इंडिया से जो कोरोगेटेड बॉक्सेस लेते थे उनका इंपोर्ट बंद कर दिया और उन्होंने क्राफ्ट पेपर का जो इंपोर्ट है वो शुरू कर दिया है। क्राफ्ट पेपर से कोरोगेटेड बॉक्सेस बनते हैं और क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट शुरू किया इसके लिए भारत में क्राफ्ट पेपर की सप्लाई जो है उसकी किल्लत हो गई, जिसके कारण नवंबर से अब तक अगर आप देखेंगे तो क्राफ्ट पेपर के दामों में 80-90% के आसपास की तेज़ी हो चुकी है और ये जो बढ़ोतरी हुई है वो खासकर जनवरी और फरवरी में ही हुई है। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो पेपर और पेपर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उनमें किसी ना किसी कारण के वजह से प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रही है। हालांकि ये प्राइसेस जो है ये कीमत जो बढ़ रही है उसको कंपनियां लगातार पास ऑन करते जा रही है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज में देखने मिलेगा क्योंकि वो जो है इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पिछले 2-3 महीने में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण पेपर और पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उनके दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। बहुत शुक्रिया वरुण दमदार रिसर्च पेपर से और पेपर स्टॉक से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। ऑटो शेयर का फोकस करते हैं क्योंकि फोकस में ऑटो शेयर हैं और आपको बता दें कि मारुति की कारें फिर से महंगी हुई और किन कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं ये समझना भी जरूरी है और इम्पैक्ट शेयर पर क्या होगा, कुशल है हमारे सहयोगी, उनसे जानते हैं। तो आज के सत्र में ऑटो स्टॉक्स जो थे वो काफ़ी फोकस में रहे और वो इसलिए क्योंकि देश की दिग्गज जो पैसेंजर व्हीकल कंपनी है मारुति सुजुकी, उन्होंने जो है ये ऐलान किया था कल मार्केट आज होने के बाद कि हम जो है अपने जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं और जितने भी मॉडल्स हैं उनके अक्रॉस द वर्टिकल अगर आप देखेंगे तो अपनी प्राइस हाइक्स ये करते हुए नज़र आएंगे 1 अप्रैल से। और इससे इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आप देखिए लगातार इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में ये दूसरी प्राइस हाइक करते हुए दिखे हैं। पिछली बार 18 जनवरी को करीब 34,000 तक प्राइस हाइक करने का ऐलान इन्होंने किया था और अगर आप देखें तो जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हुई है उस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है, तो ग्राहकों को ये जो प्राइस हाइक्स है ये पास ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो जो अन्य कंपनियां हैं वहां पर एनालिस्ट मानकर चल रहे हैं करीब 1-3% के आगे आने वाले कुछ हफ्तों में कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनवरी महीने में भी काफ़ी सारे जो कंपनियां हैं जिसमें अगर आप देखें तो M&M और साथ ही टाटा मोटर्स जैसे कंपनियों ने अपने प्राइस हाइक्स ये करते हुए दिखे थे। खासकर M&M की बात करें तो जनवरी में उन्होंने 1.9% तक की हाइक का ऐलान किया था, तो अभी भी लगभग 1.5-2% की हाइक जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अक्रॉस दी कंपनीज आगे आने में आती हुई नजर आ सकती है। तो ये ऑटो शेयरों पर और ज्यादा जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी कुशल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शो में शर्मा जी का ऑप्शन। बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी से। सर बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में, आप कल के लिए कौन सा कमाई का ऑप्शन बताएंगे आज आप? स्वाति जी नमस्ते, आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और टैक्सी से आपको बोल रहा हूँ, तो दो स्टॉक समझ में आते हैं। आज हमने देखा कि वापस फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज अच्छे थी, तो पहला जो स्टॉक है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, तो वो 880 की मार्च महीने की कॉल आपको लेनी है 4.60 रुपये, उसका स्टॉप लॉस रखिए 2.25 रुपये और उसका टारगेट रहेगा 8.5 रुपये। और दूसरा ये कि ICICI बैंक, वहाँ पे आप 590 की कॉल इसी महीने की मार्च महीने की आप सीरीज के ले सकते हैं और वो आपको कॉल मिलेगी 6.40 रुपये, स्टॉप लॉस रखिए 3.5 रुपये का, टारगेट रहेगा 11.5 रुपये। ये भी ध्यान रखिए कि आपको क्योंकि आप इसी महीने के मतलब ऑप्शन ले रहे हैं तो ठीक है, और ध्यान रखिए कि अगर आप कम मिले तो आपको निकल जाना चाहिए, बिकॉज आपको ये डिलीवरी नहीं लेनी है। डिलीवरी लेनी हो तो अलग बात है, दोनों डिलीवरी के लायक हैं, लेकिन आपको लेना नहीं है क्योंकि एक ट्रेडिंग कॉल ही है ऑप्शन के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब समझते हैं कि कल बाजार की नजर किन संकेतों पर रहेगी और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे, अनिल जी से। वैसे तो अमेरिका में एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन की आशंका है, 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स से हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार और डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं कल सुबह। लेकिन एक चीज साफ है, बायोडिप्स के मार्केट के साथ धीमे धीमे ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और अब कल के लिए 14,700-14,750 तुरंत आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और वो आसानी से टूटना नहीं चाहिए और ऊपरी स्तरों पर 14,900-14,950 तक जाने की कोशिश
पहले निफ्टी के हो सकते हैं और उसके बाद 15,050 15,100 की रेंज तक पहुंचने की कोशिश भी निफ्टी कर सकता है। ये लेवल्स ये टारगेट्स ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए बन सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,000 के ऊपर बंद होने के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। अब जो अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर वो 33,350 से लेकर 33,600 की रेंज में आप मानकर चल सकते हैं। उससे पहले 33,850 भी एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 34,500 ये पार करने के बाद 34,750 34,800 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। तो वैसे तो हमारे लोकल मार्केट्स का देखेंगे तो मूड माहौल ठीक है। निचले स्तरों से लगातार खरीदारी आती दिख रही है। एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी खरीदारी है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक पाना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स अभी भी उतना साथ नहीं दे रहे हैं। कोविड के मामले बढ़े हुए आते दिख रहे हैं। एफआईआई की खरीदारी के आंकड़े हैं लेकिन रुक रुक कर तो पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा है, इसलिए ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी। तो इंडेक्स में हो सकता है दोनों तरफ के मौके आपको मिले, ट्रेडिंग का रुझान दोनों तरफ रहे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी खरीदारी थोड़ी तेजी बढ़ने की उम्मीद आप कल भी कर सकते हैं। तो कल बाजार पर स्ट्रेटजी तो आपने समझ ली, अब कल अब देखते हैं कल का ऑप्शन शो में। बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। राजेश जी बहुत स्वागत है शो में। ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या बताएंगे आज आप? नमस्ते स्वाति जी। देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो हम अब एक्सपायरी के नज़दीक है मार्च सीरीज की, और मार्केट जो इसका रेंज का जो एक हायर बैंड है उसकी तरफ ही बार बार मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है और उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो 14,900 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मार्केट वहीं पे एक मल्टीपल टाइम से हम देख रहे हैं कि सप्लाई बना हुआ है, लेकिन डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि अब मार्केट एक्सपायरी के नज़दीक है और ये मार्केट अब 14,900 15,000 की तरफ मूव करेगा और ये ब्रेकआउट हमें एक्सपायरी के पहले देखने को मिलेगा। तो इस तेजी को प्ले करने के लिए 14,900 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो कि करीब क्लोज हुआ है 61 रुपीज के आसपास। 35 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 105 के आसपास। तो मार्केट में जिस तरीके से लोअर साइड से बाउंस बैक एक्शन मार्केट में बना हुआ और सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक जिस तरीके से एक्शन बनी, हमें लगता है कि एक्सपायरी के पहले मार्केट 14,900 के लेवल को क्रॉस करेगा, इसलिए ऑप्शन बाय करके हम तेजी करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अडानी ग्रुप में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली थी, तो हमें अडानी ग्रुप में से अडानी पोर्ट यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से इसमें पिछले दो सेशन से जिस तरीके से एक्युमुलेशन और जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है, हमें लगता है अडानी पोर्ट को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 736 के आसपास क्लोज हुआ है, 722 का स्टॉप लॉस रख ले और 765 तक के टारगेट हमें लगता है कल के सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। तो अडानी पोर्ट भी यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी शो में शामिल हुए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए, आपका शुक्रिया। और शो के अंत में विकास जी आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी आज? बिल्कुल स्वाति, जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है एक फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है अलेम्बिक फार्मा। ये स्टॉक आज 930 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी APIs बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस तीनों सेगमेंट में काम करती है। इनके 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और हाल ही में इन्होंने बहुत ही सीरियस कैपेक्स किया है जिसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में इनके नतीजों में देखने को मिलेगा। और बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके और इनका अच्छा खासा फोकस है रेस्पिरेटरी जो मेडिसिन है उनपे, और जो कोविड के दौरान जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है उसके कारण से भी कंपनी को फायदा होना है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा मैंने अराउंड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 25% का, डेट इक्विटी रेशियो 0.51, और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट्स की ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 25% की दर से पैट में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो इस स्टॉक को 930 के आसपास के लेवल्स पे लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 1,150 का टारगेट है। तो लंबी अवधि की खरीदारी साल भर तक का नजरिया अलेम्बिक फार्मा में रखने की सलाह विकास सेठी की। विकास जी बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए हमारे साथ आज, और साथ ही तमाम हमारे सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। बाजार का लाइव एक्शन देखना है सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस।